हेलो असलम डियर स्टूडेंट कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे तो आज से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा तो आज से जो आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा तो वो जो वीडियोस बनाऊंगा वो आप मैं जो है शेयर करूंगा यूट्यूब पे तो जो है इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर करा है तो उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो जो है काफ़ी बिज़ी रहा आप लोगों का एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट कर रहे में तो इसीलिए जो है वीडियोस नहीं बना पा रहा था तो जो है हमें काफ़ी आप लोगों का जो है कोविड की वजह से जो है पिछला पिछले सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम्स पेंडिंग रहा था तो हम टीचर्सों ने बहुत ही मेहनत किया ताकि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट हो तो और स, स्मूथली और सक्सेसफुली जो है आपका एग्ज़ाम जो है हो तो आप लोगों को एक हिसाब से शुक्रगुजार होना चाहिए अपने टीचरों का जो है उन्होंने जो है आप लोगों का जो है इस कोविड में नाइन कोविड नाइन्टीन में जो है इतना जो सिचुएशन जो है अभी जो है बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है इसमें जो है आप लोगों का अच्छे से जो है ऑनलाइन जो है आप लोगों का एग्ज़ाम्स लिया स्मूथली तो इन दो इस दौरान जो है हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की आप लोगों के लिए तो यू शुड बी थैंकफुल टू अस तो आज जो है आप लोगों के लिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है जो है पहला लेक्चर जो है पहला वीडियो एक मैंने शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये है आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज़ नीड एंड वांट एंड डिमांड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नीड डिमांड एंड वांट ओके सो विटिंग विद वाट इज नीड वाट इज ह्यूमन वांट क्या है नीड क्या होता है ह्यूमन वां नीड्स ओके तो चलो हम डिस्कस करते हैं अबाउट इट ह्यूमन नीड्स और द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड इंक्लूड फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर विदाउट दिस ह्यूमन्स कैन सर्वाइव देखो ह्यूमन नीड्स जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमें डे टू डे लाइफ में जो हमें रिक्वायर्ड है ठीक है जो हमें लाइफ लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरत है जो, आ, सर्वाइव करने के लिए हमें जो ज़रूरत चीज़ें है बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो है हमें नीड है वो उन सभी चीज़ों को उन सभी प्रोडक्ट्स को हम नीड नीड कहेंगे ठीक है नीड्स जो है ह्यूमन नीड्स वो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोडक्ट्स है जो हमें सरवाइव करने के लिए ज़रूरत है विदाउट इट जो है हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो वो कौन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फूड जो है क्लोथिंग शल्टर ये है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ठीक है ये जो है हमें डे टू डे डे टू डे लाइफ में जो है फूड जो रिक्वायर होता है हमें वो हमारा नीड है ठीक है शल्टर हमें ज़रूरत है रहने के लिए क्लोथ हमें ज़रूरत है पहने के लिए तो ये हमारा नीड है ठीक एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ नीड्स टूडेज़ बिकम एजुकेशन एंड हेल्थ केयर या बहुत और एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो जो आजकल के ज़माने में जो है पहले हम कहते थे कि पहले कहते थे कि इंसान को सरवाइव करने के लिए जीने के लिए रोटी मकान और कपड़ा ज़रूरत है आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है सिर्फ रोटी मकान और कपड़ा ही ज़रूरत नहीं है जीने के लिए आजकल के ज़माने में एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो भी एक नीड बन चुका है सर्वाइव करने के लिए ठीक है सो so, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी एक पार्ट है नीड का ओके जनरली द प्रोडक्ट विच फॉल अंडर द नीड कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डोंट रिक्वायर पुश इन द कस्टमर बाई ट समझे तो जो है जनरली जो है जब प्रोडक्ट जो फॉल करता है इस कैटेगरी के कैटेगरी में नीट के कैटेगरी में जो फॉल करता है उसे पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है ठीक पुश मतलब उसे प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता एडवर्टीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता ठीक है, है जो नीड प्रोडक्ट्स होता है उन्हें जो है पुश करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है ठीक है हम जो है ख़ुद ही जो है जाके जो है इसे खरीदते हैं ठीक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेजिटेबल्स है अब अगर पे जाओगे तो वहाँ पे वो लोग आप आप देखोगे कि आपको रुकायर है तो आप जाओगे शॉप पे वेजिटेबल शॉप पे वहाँ से आप खरीदोगे क्योंकि आपको रिक्वायर्ड है आपने ऐसा कभी देखा कि वो लोग जो है <coughs> जो है प्रमोट कर रहे होते कि आ जाओ खरीदो सब्जी खरीदो ये खरीदो आप लोगों के लिए बेनिफिट है इस तरीके का वो लोग एडवर्टीज़ नहीं कर रहे होते प्रमोशन नहीं कर होते हमें जब रिक्वायर्ड होता है हम तभी जाके जो है उसे खरीदते हैं ठीक है जो नीड प्रोडक्ट्स होता है उसे पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता उन्हें जो सेलर्स होते हैं हम जो है खुद ही जा उसे जो है ख़रीदते इसलिए ये इसलिए कि जो है इसका डिमांड हाई होता है ये नीड प्रोडक्ट होता है ठीक in today's tough and competitive world so many brands have come up with the same offering satisfying the needs of the customer ठीक आजकल के जो है प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड जो है टफ कंपटीशन हो चुका है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है इसलिए जो है आजकल के दौर में जो है नीड्स प्रोडक्ट्स में भी कैटेगरी आ चुका है ठीक है जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जाओगे आप अगर जाओगे शॉप पे किसी शॉप पे आप वहाँ पे देखोगे आपको मिलेगा आपको जो है जैसे जो नीट प्रोडक्ट्स है उसमें भी वैराइटीज़ मिलेगा उसमें भी कई सारे कंपनीज के जो है नीट प्रोडक्ट्स होंगे जैसे फॉर एग्जांपल अगर ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए आलमंड चाहिए बादाम चाहिए अब वहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऑप्शनस होंगे ब्रांड्स के होंगे जो वो सेल करते हैं ठीक है तो जो शॉप होगा उस पर उसके पास काफ़ी ब्रांड्स के जो है बादाम पैकेट्स होंगे ठीक तो ये है कि आजकल के दौर में बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन की वजह से आप जो है ये बहुत सारे कंपनी जो है ऑफ़र करता है वही सेम प्रोडक्ट ऑफर करता है ताकि आपके आपको जो है करे आप आपका जो है नीड सेट्सफाई करे कस्टमर का नीड सेट्सफाई करे ठीक तो मगर जो है आजकल के दौर में जब कैटेगरीज नीड्स जब बहुत बढ़ चुका है से नीड्स नीड्स प्रोडक्ट का कैटेगरीज जब बढ़ चुका है तो इनमें भी जो है उन्हें पुश करना पड़ता है ठीक है अब जो है तो प्रमोट करना पड़ता है आज जो है कस्टमर की कस्टमर की माइंड में प्रमोट करना पड़ रहा है आजकल के दौर में ठीक है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ठीक है कुछ कुछ नीड्स प्रोडक्ट्स में जो है उसमें जो है प्रमोट करना पड़ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ नीट कैटेगरीज़ जो है नीचे प्रोडक्ट सेक्टर प्रोडक्ट सेक्टर एग्रीकल्चर जैसे एग्रीकल्चर्स में सेक्टर्स में रियल इस्टेट लैंड ऑलवेज अप्रीशियट एफ एम सी जी एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जो फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स होते हैं उसे जो है एफ एम जी सी कहते हैं ठीक है मतलब फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स कौन सा एफ एम सी जी गुड्स वो होते हैं जैसे मेडिसन्स जो है आपका वो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट कस्टमर गुड्स इसमें है ठीक जो फूड्स आइटम्स हैं वो जो है एफ एम सी जी में आता है ठीक सो देन वट्स वांट अब हम पढ़ेंगे वांट्स के बारे में ठीक सो so, वट्स are the स्टेप ahead ऑफ नीड एंड are लार्जली dependent ऑन the नीड ऑफ ह्यूमन themselves. जो ये वांच है वो एक कदम आगे है नीड से ठीक है जो वांच जो है वो लार्जली डिपेंड होता है नीड पे ठीक है जब आपका नीड होगा तभी आपका वाइस जो है डेवलप होगा देखो इसको हम एग्जांपल से जानेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल जो यू नीड टू टेक अ बाथ बट आई एम श्योर यू टेक बाथ विद द बेस्ट सोप्स अगर आपको जो है नहाना है तो आप क्या करोगे आप वो साबुन उस नहा साबुन से उस सॉप से नहाओगे साबुन से नहाओगे जो आपको पसंद है बेस्ट सॉप है जैसे फ़ॉर एग्जांपल आपको पसंद है लैक्स आप उससे नहाओगे ठीक है देखो नीट क्या है कि आप असली नीट क्या था कि आपको नहाना था ठीक है साफ़ होना था आपको आप किसी साबुन से भी नहा सकते थे वो आपका नीड है बट जो है आपका वांट अब आप क्या बन चुका है कि आप चाहते हो कि एक बेस्ट साबुन जो आपको पसंद है उससे नहाओ ना जैसे लैक्स अब अगर लैक्स से नहाओगे ये आपका चाहत है कि आप से लेक्स से नहाओगे लैक्स से नहाओगे होगी सो, सो लेग्स जो लैक्स साबुन जो है वो आपका वांट बन चुका है दस वांट्स आर नॉट मैंडेटरी पार्ट ऑफ लाइफ एंड ठीक है जो ये वांट्स जो है वो मैंडेटरी जो पार्ट ऑफ योर लाइफ नहीं है ये ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में जो है नीड जो होता है वो मैंडेटरी होता है ठीक मगर वाण्स जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं ट्रैवल करने जाना है तो आप कहीं ट्रैवल करते हो कहीं फिर ट्रैवल करके कहीं जगह आपको आप कहीं होटल में रुकते हो तो आप जब ट्रैवल करते हो आपको कहीं पे रुकना होता है तो आप किसी होटल में भी रुक सकते थे सिंपल से एक सिंपल जहाँ पे बैठने का एक छात्र तो जहाँ पर बैठने का कुछ बैठने का जगह मिले मगर आप क्या करते हो कि आप चाहते हो कि एक लग्जरी होटल हो ठीक है जहाँ बढ़िया कंफर्टेबल होटल हो लग्जरी फाइव स्टार हो होटल हो वहाँ पे आप बैठना चाहते हो सो so वो जो वहाँ जहाँ लग्जरी होटल फाइव स्टार होटल में जो आप बैठना चाहते हो वो आपका वांट है ठीक वरना नीड क्या था कि आप नीड था कि कहीं पे आपको शाम को बैठने के लिए जगह एक चाहिए था किसी होटल में तो वो आपका नीड था मगर आपको आप अब आप क्या चाहते हो कि किसी लग्जरी होटल में फाइव स्टार होटल में बैठे तो वो आपका वांट है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जाम्पल देता हूँ मैं जैसे आपको अगर आप मोबाइल चाहिए फ़ोन करने के लिए एक एक जगह मतलब किसी जो है आपको मोबाइल चाहिए ताकि आप फ़ोन करें तो वो सिंपल एक मोबाइल भी आप ला सकते हो मगर आप चाहते हो कि एक बीस ती, हज़ार तीस हज़ार का एक बढ़िया सा मोबाइल लाए तो वो आपका वांट है कस्टम कंज्यूमर जूरेबल्स जैसे अ, अगर आपको कोई चीज़ नीड अगर कोई प्रोडक्ट नीड आपको ज़रूरत है कोई एलेक्ट्रॉनिक चीज़ आपको जरूरत है तो आप क्या आप क्या देखते हो कि अगर आप देखते हो उसमें कि ये इसका जूरेबल कितना है इसका वारंटी कितना है गारंटी इसमें कितने साल की गारंटी तो वो क्या है आपका वांट है ऐसा एफ एम सी जी एफ एम सी जी प्रोडक्ट्स तो आपको ऑलरेडी मैंने कहा है कि वो प्रोडक्ट से जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होता है जो जो है बड़ी बड़ी तेज़ी से सेल होता है ठीक है मार्केट में तो उसे एफ़ एम सी जी प्रोडक्ट्स कहते हैं जैसे फूड आइटम्स मेडिसिन से वो से वो जो है एफ एम सी जी में आता है ठीक तो ओके okay, आज के लिए इतना ही कल हम पढ़ेंगे अबाउट डिमांड्स ओके तो ये था आपका सेकंड लेक्चर तो आप लोग क्या करेंगे कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आफ्टर दिस यूनिट जो है आपको मैं जो है मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है तो जो है वाजबत आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज टेक केयर